नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज इस हाथ का विश्लेषण कर आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम इनके कुछ प्रश्न हैं, उनसे रिलेटेड इनको जो है जानकारी इनको दूंगा। जिसमें सर्वप्रथम इनका क्वेरी जो निकल के आया है वो हेल्थ रिलेटेड और थोड़ा तकलीफ जो है चल रहा है बिजनेस और बाकी सबको लेकर के। उम्र जो है 40-41 के आसपास में है अभी, तो क्या यहाँ पर जो है सर्वप्रथम दिक्कत इनके शो हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर इनके लाइफ लाइन के ऊपर यहाँ पर गौर करें तो आप देख पाएंगे कि कुछ जो है हल्की हल्की ये जो रेखाएं हैं ये ही जो है सबसे मेन ट्रबल लाइंस होती हैं। एक जो दो है वो निकल चुकी है, जो बाकी एक दो यहाँ पर जो यहाँ पर शो हो रही है हल्की हल्की यहाँ पर हल्की हल्की आते आते, तो यही जो है थोड़ी सी ट्रबल को इंडिकेट करती है। ये एक प्रकार से लॉस को, तकलीफ को और जीवन शैली में किसी ना किसी प्रकार के दिक्कत परेशानी को बताती है जो थोड़ा बहुत रहेगा। हालांकि कुछ बहुत बड़ा योग या बहुत ज़्यादा खराबी यहाँ पर नहीं है, थोड़ा बहुत तकलीफ रहेगा। और अभी यहाँ पर जो आपका फेट लाइन है वो भी थोड़ा जो है इस उम्र में आकर के कमज़ोर हुआ है, ये भी जो है प्रोमिनेंट हो रहा है तकरीबन 43 के एज के आसपास में आने के बाद। और वहीं हृदय रेखा के ऊपर अगर चर्चा करें तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे बहुत बारीकी से कि आपको डबल लाइन जो है यहाँ पर चलते हुए बीच में हल्का सा गैप भी जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो डबल लाइन अपने आप में चलना एक प्रकार से ये कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, ट्रबल हमेशा व्यक्ति को लगे ही रहने की निशानी को व्यक्त करता है। और खासकर जब इस प्रकार से हल्का सा भी यहाँ पर गैप या थोड़ी बहुत भी इंडिकेशंस छूट जाए, जैसे लाइन थोड़ी सी टूट जाए या रुक जाए, तो ये और थोड़ी सी खराबी को बताता है। तो ये भी जो है 43 के एज के आसपास में सुधरता हुआ मेनली दिख रहा है। तो कोई भी ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं है जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करे लाइफ को, हल्का फुल्का सा है जो नॉर्मली थोड़े बहुत प्रयासों से, उपाय से सही अवश्य जो है तरीके से हो जाएगा। आते हैं फिंगर के जो है सर्वप्रथम यहाँ पर जो है एनालिसिस के ऊपर। तो फिंगर की लेंथ ओवरऑल पाम के कंपैरिजन में जो है मुझे शॉर्ट देखने को मिल रहा है। जब इस प्रकार के योग होते हैं तो कहीं ना कहीं इमीडिएटली एक्शन जो है आप जैसे लोग ज़्यादा करते हैं, यानी धैर्यवान होने में थोड़ी कमी रहती है, जल्दबाजी और हड़बड़ी वाला काम जो है जीवन में ज़्यादा करते हुए देखने को मिलते हैं। परंतु वहीं फिंगर के बीच में जो गैप इंडिकेट हो रहा है ये एक प्रकार से जिद्दीपन को बताता है कि आप थोड़े से जिद्दी रहेंगे या फिर आप अपने बात पर जो है ज़्यादा अड़िग रहने वाले या अपना काम निकलवा लेने में माहिर, ये सारे योग जो है आपके अंदर रहेंगे। साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट अप्रोच रहेगी कि स्वतंत्रता पूर्वक रहना, जीना, खाना पीना अपने अनुसार से जीवन शैली जीना, इस प्रकार से। लिटिल फिंगर की लेंथ कंपेरेटिवली अच्छी है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से ऊपर गई है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहता है, सीधे स्पष्ट रूप से आप जैसे लोग अपनी बात रखते हैं, टाइम टेबल को बहुत बेहतरीन फॉलो करते हैं, मार्केटिंग स्किल्स अच्छी रहती है, साथ ही साथ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले, मेंटेन करने वाले भी रहते हैं, तो इसी कारण से बिजनेस में बहुत बेहतरीन प्रोग्रेस रहता है। यहाँ देख पाएंगे कि थर्ड फिंगर की लेंथ जो है ज़्यादा है, जिसके कारण एक रिस्क टेकिंग नेचर रहेगा कि आपके पास भले ही कोई सिक्योरिटी आसपास में हो या ना हो, लेकिन अगर रिस्क लेने की बात आ गई तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये एकमात्र जो है कारक होता है व्यक्ति के प्रोग्रेस का भी, क्योंकि जो व्यक्ति रिस्की नहीं लेगा जीवन में वो क्या कर पाएगा। तो ये आपके अंदर रहेगी खूबी, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रॉयल्टी अपने लाइफ में आप मेंटेन करेंगे, मतलब राजशाही जीवन जीना, नौकर चाकर रखना, कलात्मक गतिविधि आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, क्रिएटिविटी और जो जान पहचान या जो संबंध आपके रहेंगे बहुत ऊंचे ऊंचे तख्ते पर विराजमान लोगों के साथ आपके संबंध मधुर रहने वाले हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर यानी मिलनसार स्वभाव को व्यतीत करती है। आप जैसे लोग आसानी से किसी के साथ भी घुल मिल जाना, अपने आप को ढाल लेना, हर परिस्थिति में ढल जाना, इस प्रकार के योगों को बताता है। वहीं यहाँ पर शुक्र और बाहरी जो आपका यहाँ पर मंगल है ये बहुत अच्छा व्यवस्थित है। जब इस प्रकार के योग बनते हैं तो लग्जीरियस लाइफ व्यक्ति जीता ही जीता है, लेकिन बहुत अच्छा कहीं ना कहीं दूसरों से संबंध बनाने में माहिर होते हैं आप जैसे लोग। किसी से भी मिलेंगे तो बहुत एनर्जी ऊर्जा के साथ मिलेंगे, सामने वाले को लगेगा ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं। बस इसमें एक कमी यही है कि जल्दबाजी, हड़बड़ी में किया गया काम कहीं ना कहीं पछतावा का कारण आपके जीवन में बनेगा, तो थोड़ा इसके ऊपर ध्यान रखिए। और आते हैं गुरु पर्वत के क्षेत्र से, तो गुरु पर्वत कम एरिया ले रहा है, जिसके कारण जो सांसारिक और पारिवारिक सुख है एक प्रकार से थोड़ी तकलीफ इसमें रहती है। परंतु लाइफ लाइन से ही एक से अत्यधिक रेखा जा रही है जो एक प्रकार से प्रोग्रेस लाइन है, जो बताती है कि
आप बहुत जुनूनी रहेंगे अपने ड्रीम को लेकर के, एम को लेकर के। तो जो जो आप अपने जीवन में चाहेंगे तकरीबन हर वो चीज़ हासिल कर पाएंगे। आड़ी रेखा धार्मिकता की ओर झुकाव को व्यतीत करती है कि धार्मिक भी आप जीवन में रहेंगे, दयालुपन आपके अंदर ज़्यादा रहेगा और अच्छा खासा अर्निंग जो है जीवन में रहेगा। शनि पर्वत कमज़ोर होने के कारण कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। आपकी भाग्य रेखा जो है स्पष्ट बिल्कुल है, लेकिन कोई भी चीज़ हासिल करने में इतनी तकलीफ क्यों आ रही है, ये सिर्फ एकमात्र शनि के कारण। क्योंकि जब शनि पर्वत कमज़ोर होता है तो ये सीधे सीधे यही इंडिकेट करता है कि जीवन में कोई भी चीज़ बिना मेहनत के, बिना जो है यहाँ पर परिश्रम के आपको नहीं मिलने वाला है। थोड़ी बहुत मशक्क़त, तकलीफ़ ज़्यादा लेनी पड़ेगी तब जाके वो सारी चीज़ें मिलेगी। हालांकि ये बात बहुत अच्छी है कि जो जो चाहेंगे जीवन में सब हासिल कर पाएंगे। एक तो आपके अंदर जुनून भी बहुत रहेगा, कभी हार नहीं मानेंगे, लेकिन थोड़ा सा थोड़ा स्ट्रगल के बाद ही चीज़ें मिलनी है आपको। बीच की यह रेखा नॉलेज लाइन है जो अच्छे नॉलेज को इंडिकेट करती है कि लाइफ में अच्छा नॉलेज आप गेन कर पाएंगे और उसी के बलबूते पर दूसरे लोग आपके पास सलाह मशवरा करने या फिर राय लेने आपकी आएंगे। सूर्य रेखा आपकी अच्छी है जिसके कारण नेम, फेम, पॉपुलैरिटी इसमें कोई कमी नहीं है। यश, सक्सेस, कीर्ति सब आपको जो है लाइफ में मिलेगा और ये भी जो है तकरीबन 45 उम्र के आसपास में, यानी 2-3 साल के बाद और जो है इसके योग बहुत प्रबल हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि एक सपोर्टिव लाइन भी आपके यहाँ पर चल रही है, सपोर्टिव सन लाइन। मरकरी माउंट आपका अच्छा होने के कारण एक से अत्यधिक रेखा जो है मेडिकल सिग्माटा का साइन होता है। ये यही इंडिकेट करता है कि बहुत सिंपथेटिक नेचर आपका रहेगा, दयालु प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा रहेगी, दूसरों की भावनाओं को बहुत जल्दी समझ जाने वाले आप रहेंगे, सपोर्टिव नेचर रहेगा, हीलिंग क्वालिटीज़ यानी डीमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर देना अपने बातों से, किसी को भी प्रभावित कर लेना, तो ये एक आकर्षित व्यक्तित्व की भी निशानी होती है जो बताती है कि आप लोगों को बांध रखने में बहुत अच्छी काबिलियत आपके अंदर रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट जो है ईजली कर लेंगे, तो ये सारे के सारे जो रिजल्ट निकलते हैं ये एक ही छाप छोड़ते हैं कि बिजनेस में बहुत प्रोग्रेस आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलने वाला है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक चर्चा करें हृदय रेखा का, तो मेन जो शाखा है वो शनि के क्षेत्र से प्रारंभ होने के कारण प्रैक्टिकलिटी लाइफ में आपकी अच्छी रहेगी, कार्य को लेकर के ज़्यादा फोकस रहेंगे, मनी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा आपका ध्यान रहने वाला रहेगा और साथ ही साथ अपना काम आप निकलवा लेने में माहिर रहने वाले रहेंगे। भाग्य रेखा का झुकाव जो है यहाँ पर हो रहा है गुरु की तरफ और इसी के कारण से आपके अंदर दयालु प्रवृत्ति और साथ ही साथ इमोशनल नेचर, जितना ज़्यादा दूसरों की हेल्प आप करेंगे लाइफ में उतना ज़्यादा प्रोग्रेस आपको मिलेगा, क्योंकि आपका भाग्य ही आपको इस क्षेत्र में डाल रहा है, करवा रहा है। तो धार्मिक बिल्कुल रहिए आप, धर्म कर्म से रिलेटेड जितने काम करें, जितने काम हो सकते हैं आप करिए, दान पुण्य करिए, खाना खीर वगैरह जितने भी ये छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, उत्सव आते हैं, इसमें जितना हो सके अपने तरफ से दान करिए, जितना योगदान हो सके करिए, तो ये भाग्य को और मजबूत करेगा और कुल मिलाकर के अच्छी जीवन शैली को भी व्यतीत करता है। अब यहीं से एक शाखा निकल करके आप देख पाएंगे आपके आ गया है यहाँ पर मंगल के क्षेत्र पर। जब मंगल के क्षेत्र पर इस प्रकार से शाखा आ जाए तो ये एक प्रकार के एग्रेशन यानी गुस्सेल स्वभाव को भी व्यक्त करता है कि ऐसा व्यक्ति अपने गुस्से पे नहीं कंट्रोल रख पाता और अचानक से जो है अपना गुस्सा वहीं के वहीं निकाल देता है। दिक्कत इसमें ये बात की नहीं है कि गुस्सा वहीं निकाल रहे हैं, दिक्कत ये है कि बहुत गलत तरीके से उसको निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गुस्सेल स्वभाव के कारण आपको जो है यहाँ पर पर्सनली ज़्यादा तकलीफ उठाना पड़ सकता है, तो थोड़ा इस पे काबू रखिए। आंधी जैसा रहेगा आपका ये भी। और आते हैं आपके माइंड लाइन के ऊपर, तो माइंड लाइन आपका इस प्रकार से निकलते हुए एकदम यहाँ पर बीच में आकर के रुका है। तो नॉर्मल जो स्टडीज़ में स्कोप रहते हैं आप जैसे लोगों के देखने को मिलते हैं, परंतु लाइफ स्टाइल दुनियादारी का पूरा नॉलेज रखने वाले, और बेसिकली ये सीधी ही रेखा है तो लॉजिकल नेचर रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे आप, सीधे स्पष्ट रूप से सोचना, बोलना, विचारना, काम करना, इस प्रकार का नेचर आपका रहेगा। तो क्लेवर माइंड तो है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक दो हल्की हल्की शाखाएं निकल के यहाँ से भी ऊपर की ओर झुक रही हैं जो बिजनेस माइंडेड पर्सन होने की निशानी होती है। लाइफ लाइन का फ्लो कुछ इस प्रकार से निकलते हुए यहाँ पर आया है और फिर इस प्रकार से अंदर की ओर धीरे धीरे जो है झुकता हुआ कुछ कुछ रेखाओं के द्वारा जुड़ता जुड़ता बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगी इंडिपेंडेंसी या फिर जो आपका करियर स्टार्ट हुआ है थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है, बीच में आ रहा है जो सीधे बता रहा है कि करियर फोकस, सेल्फ फोकस, सेंट्रल फोकस लाइफ में रहेंगे,
और शुक्र की तरफ जो झुकाव लिए हुए है ये यही बता रहा है कि फैमिली सपोर्ट और अटैचमेंट आपका ज़्यादा रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ जो सपोर्टिव लाइन भी चल रही है ये यही इंडिकेट कर रही है कि जब आप ट्रबल के टाइम जब आपका रहेगा जो नॉर्मली दिख रहा है 36-37 के एज के आसपास से, तो वहाँ से आपको दूसरों का सहयोग लाइफ में अच्छा मिलेगा या किसी ना किसी का किसी ना किसी प्रकार से सहयोग मिलेगा जिसके कारण आप उस प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं यानी आसानी से निकल वहाँ से सकते हैं। तो चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर प्रकार का सहयोग आपको इस दौरान में मिलने वाला रहेगा। तो ये है कि ऊपर वाले की भी कृपा रहेगी, मनोकामना भी पूरी होगी। तो ये जो है थोड़े यहाँ पर शनि के आप उपाय कर लें तो कोई तकलीफ फिर नहीं आनी है। मंगल अंदरूनी और बाहरी दोनों यहाँ पर उभरे हुए हैं जिसके कारण शारीरिक गठन, बलता, ऊर्जा बहुत अच्छी देखने को मिलती है, मानसिक बल भी आपके अंदर अच्छा है और शुक्र जो है आपका अच्छा स्पेस ले रहा है और यही रीज़न है कि ये हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाता है। परंतु शुक्र पर यहाँ जो हल्की हल्की बहुत बारीक बारीक सी आड़ी जो ये रेखाएं हैं ये थोड़ा अनावश्यक चिंताओं को व्यक्त करती है, अननेसेसरीज वरीज को। बहुत सारे रीज़न होते हैं इसके होने के, लेकिन एकमात्र रीज़न निकल के आता है वो है ओवरथिंकिंग, कि ओवरथिंकिंग करने से जितना हो सके बचें क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव थिंकिंग यानी मतलब यहाँ पर नकारात्मक सोच पे। तो ये जो है थोड़ा तकलीफ दे देता है और इसी प्रकार से धन की हानि, पारिवारिक झंझट, दिक्कत, कुछ ना कुछ बीमारी किसी का रह सकता है उसके कारण भी तकलीफ ये आपको ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलने वाली रहेगी। तो थोड़ा खर्चीलापन भी इस दौरान में ज़्यादा रहेगा, आपका पैसा नहीं रुक पाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखें। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी जो है आप जैसे लोगों को मिलती है, उसमें कोई कमी नहीं है। वहीं केतु के क्षेत्र पर चर्चा करें तो बहुत माइनर सा यहाँ पर, बहुत छोटा सा यहाँ पर हल्का सा जो है फिश का साइन यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। बेसिकली हाथ में फिश का साइन कहीं भी हो, जैसा भी हो, बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि ऐसा व्यक्ति कुल मिलाकर के संपन्न रहता है। लेकिन अगर केतु के क्षेत्र अपने आप में हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा बहुत रहती है कोई भी चीज प्राप्त करने की, कुछ भी अपनी मेहनत से हासिल करने की, धार्मिक क्रियाओं, रहस्यमय विद्याओं के द्वारा भी बहुत ऐसा व्यक्ति रुचि अपने जीवन में और प्रोग्रेस जो है पा लेने वाला होता है। और केतु का क्षेत्र है तो ये यात्राओं का योग बनाता है, तो यात्राओं से भी अत्यधिक लाभ आपको मिलने वाला रहेगा। छोटी मोटी यात्राएं, व्यापारिक सौदे और अचानक से धन प्राप्ति के योग इसी के कारण आपको रहेंगे। मरकरी और उसके बाद यहाँ जो चर्चा करें आपका चंद्र पर, तो चंद्र भी आपका कुल मिलाकर के अच्छा उभरा हुआ है, सकारात्मक जो है मन जो है शांति प्रिय, सकारात्मक जो है जितना आप रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और हल्की हल्की जो यहाँ से रेखा निकली हुई है ये बिजनेस में प्रोग्रेस के साथ साथ हेल्थ इम्प्रूवमेंट को भी इंडिकेट यहाँ पर करती है। हल्की हल्की बहुत माइनर सी लाइन है ये, लेकिन थोड़ी सी फ्यूचर में जैसे ये डार्क हो जाए, मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए, तो धन भी आपके पास रुकेगा, बचेगा, टिकेगा और बढ़ेगा भी, तो उसमें कोई भी दिक्कत इस प्रकार से नहीं रहेगी। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और रह गया हो तो जरूर पूछें, तब तक आपका